Hi friends, welcome to our new video of e-learning for all. So today we will continue our HTML course. आज हम अपने HTML course को continue करेंगे. Last time हमने देखा था हमारी headings जो कि हम HTML में use करते हैं. आज हम हमारे आज के नए topic की तरफ चलेंगे जो कि है divs. So आइए friends, आइए चलते हैं हमारे आज के topic की तरफ. Divs. आज का topic है हमारा divs का. One of the most popular element in HTML is the div. HTML का सबसे जो main जो function है, main popular element है, वो है div का function. मैं लिखता हूँ अभी. The most popular element in HTML is the div element. Div is a short for division. Div जो है वो एक short word है division का. It's short form for division. मतलब कि इसका name जो है वो division है, but इसको हम जब हम लिखते हैं इसमें हमारे HTML के इसमें, तो इसको हम as a div लिखते हैं opening and closing braces में. सॉरी, ओपनिंग एंड एंडिंग बेसिस में. डिव एक ऐसा कंटेनर है जो कि डिवाइड करता है पेज को इनटू सेक्शंस में. इट डिवाइड्स द पेज इनटू सेक्शंस. और ये सेक्शंस जो होते हैं वो हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं ग्रुपिंग एलिमेंट्स करने में हमारे HTML में. दीज सेक्शंस आर वेरी हेल्पफुल और यूज़फुल फॉर ग्रुपिंग एलिमेंट्स in your HTML together. So आइए हम चलते हैं इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह वर्क करता है. मैं आपको सबसे पहले कॉन्टेक्ट समझाऊंगा आपका कॉन्टेंट इसका कि हम डिफ को किस तरीके से यूज़ करेंगे एज एग्जांपल पे. नोट पैड पर हम बाद में फिर जाके इसको सॉल्व करेंगे जब एंड में, जब इसकी मेन एग्जांपल देखेंगे तब. सबसे पहले हम लिखते हैं बॉडी टैग और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये काम डिफ का काम हमारा बॉडी टैग के अंदर होगा HTML में. सो बॉडी टैग के हम एंड बेसिस भी हम लिख देते हैं. अब जो मेन काम होगा हमारा वो होगा इसके अंदर div एंड स्लैश div. अब हमारा ये सबसे पहले आ गया बॉडी टैग, बॉडी की ओपनिंग और बॉडी की क्लोजिंग. देन फिर बॉडी के अंदर हमारा आएगा div और div month. अच्छा फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम अब नेस्टिंग करेंगे तो हम दो स्पेसेस ज़रूर देंगे. इसमें भी देंगे एक दो, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा. अब यहाँ पे भी हम दो स्पेस देंगे एक दो. अब जो भी हम ऐड करेंगे जैसे H1 हेडिंग हो गई, इसका कुछ भी कंटेंट डाल लिया ऐसे, देन फिर H2 हेडिंग को हम क्लोज कर देंगे. ये मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक कंटेंट समझाने के लिए आपको. ऐसे ऐसे एक है, एक दो हो गई. सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा
ये टू स्पेसेस आपने देने हैं लास्ट में। फिर हमारा जब कंटेंट ऐसी एग्जांपल के तौर पे हमने ली है, देन पैराग्राफ को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस तरीके से इसका कंटेंट आएगा जब हम इसको नोटपैड पे हम लिखेंगे। डिफ जो है हमारा, उसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। इट कंटेन एनी टेक्स्ट और अदर HTML एलिमेंट्स सच एज लिंक्स, इमेजेस और वीडियोस। डिफ टैग में हम लोग किसी भी तरीके के टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसके साथ साथ हम लिंक्स, इमेजेस और वीडियोस को भी हम ऐड कर सकते हैं। कैन कंटेन एनी टेक्स्ट और अदर HTML एलिमेंट्स सच एज लिंक्स, इमेजेस और वीडियोस। यानी कि HTML टैग्स में हम जो भी हम लिखते हैं HTML एलिमेंट्स में, जैसे कि लिंक्स, इमेजेस एंड वीडियोस, डिफ के अंदर ये इजीली आएंगे और हम इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, टैग्स भी हम एडिट कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ टैग्स। लिंक्स हम ऐड कर सकते हैं, पेजेस को मिलाने के लिए भी हम डिफ में लिख सकते हैं। इमेजेस जब हम ऐड करेंगे अपने इसमें तो डिफ को भी, डिफ में हम उनको उसको लिख सकते हैं डिफ के अंदर। इसके यानी कि डिफ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस के दरमियान में वीडियोस को के लिंक्स जो हैं, या फिर वीडियोस भी हम अपने डिफ के दरमियान में हम लिख सकते हैं। सो एनीथिंग वी कैन राइट ऑन डिफ, रिमेंबर। बट वही बात आ गई, आपने टू स्पेसेस देनी है, इस तरह के टू स्पेसेस। आपने जब भी कोई नेस्टिंग करेंगे अपनी वीडियोस वगैरह, तो जब वीडियो को जब करेंगे आप स्टार्टिंग, यानी कि वीडियो को ओपनिंग बेसिस लगाएंगे, तो उससे पहले आपने दो स्पेस देने हैं, यानी कि स्पेस बाहर से आपने दो स्पेस दे के फिर आपने नेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमेंबर टू एट टू स्पेसेस ऑफ identification when you nest elements inside of diff. डिफ के अंदर जब भी हम लिखेंगे यानी कि नेस्टिंग करेंगे, सो इसके जब हम करेंगे तो हम उसके उससे पहले आपने दो स्पेसेस लाजमी देनी है। और दो स्पेसेस हम क्यों देते हैं? फॉर बेटर रीडेबिलिटी। मैंने आपको रीजन भी समझा दिया कि बेटर रीडेबिलिटी हम के लिए हम ये दो स्पेसेस देते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स मैं समझा दूँ, मैं रिव्यू दे दूँ। आज हम लोगों ने क्या किया, हमने डिव्स का स्टार्ट किया। आज हमने मैंने आपको बताया कि डिव्स जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट है HTML का। और डिव का मैंने आपको बताया कि डिव इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन है। और ये डिव क्या काम करता है, मैंने आपको समझाया कि डिव जो है वो पेज को डिवाइड करता है इन टू सेक्शंस में। और ये सेक्शंस हमारे बहुत काम आते हैं ग्रुपिंग एलिमेंट्स करने के लिए। फिर मैंने आपको इसका सिंटैक्स समझाया किस तरीके से सिंटैक्स होगा। ये डिव बॉडी के अंदर हम डिफ को ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग को हम इंक्लूड करेंगे। फिर यहाँ पे हेडिंग, पैराग्राफ, जो मर्जी हमारी हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो करेंगे। फिर आपको मैंने बताया कि डिफ जो है वो हमारे किसी भी किस्म के टेक्स्ट, लिंक्स, इमेजेस एंड वीडियोस के उसके दरमियान हम लिख सकते हैं। प्लस मैंने आपको ये बताया कि रिमेंबर आपने टू स्पेसेस ज़रूर देने। टू स्पेसेस से मुराद यहाँ पे डिफ के नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक और ये दो, दो स्पेसेस आपने लाजमी देनी है। सो आइए अब हम चलते हैं हमारे नेटबीन्स की तरफ। यहाँ पे मैं आपको इसकी मेन एग्जांपल समझाता हूँ इंप्लीमेंट करके। सो फ्रेंड्स आइए हमारी इसके HTML की तरफ। भाई बॉडी टैग के अंदर हम ऐसे कि डिफ को पहले ऐड करेंगे इसके ओपनिंग टैग में, डिफ इसका हमने क्लोजिंग टैग भी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये
डिफ ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पर नेटबीन्स में। अब हम ऐड करते हैं हेडिंग H1, इसकी ये भी आ गई। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल ली थी, जैसे कि हमने ये लिखा था ई लर्निंग फॉर ऑल, हमारे चैनल का नेम। अब हम अरे में हम करेंगे एनी टेक्स्ट, आप लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं आप, वेट चैनल। अच्छा हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आप ये देख सकते हैं ई लर्निंग फॉर ऑल आ गया यहाँ पे ग्रेट चैनल हमारा एक पैराग्राफ के तौर पर आ गया। यानी कि पैराग्राफ से हमारा यानी कि कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आज का जो हमारा कंटेंट है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये समझाई। सो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी एग्जांपल। सो ये तो था आज का हमारा कंटेंट डिप्स का। सो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा डिप्स का कंटेंट समझ आया होगा। किसी भी किस्म की क्वेरी हो, कुछ सवाल हो, तो हमसे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। सो हमारे आज के कंटेंट को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ HTML के हम आएंगे। सो हमारी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।